फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेंस एंड ग्लासेस। आज हम ग्रीस से होते हुए डच की ओर जाएंगे। डच, यस, ऑफ कोर्स वी गोइंग टू मेक कोल्सलो। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा सैलेड है, सिंपल सैलेड है। तो चलिए बनाते आज की हमारी वेरी सिंपल रेसिपी, कोल्सलो सैलेड। ये सैलेड बनाने के लिए चाहिए हमें सिर्फ दो वेजिटेबल, कैबेज, कैरेट, और इसके ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए मायोनेज, पेपर, सॉल्ट, विनेगर, शुगर, डीजो मस्टर्ड। सबसे पहले हम ये वेजिटेबल चॉप करेंगे और उसके बाद इसके ड्रेसिंग बनाएंगे, दोनों को बिल्ड करेंगे और सैलेड तैयार। बहुत ही सिंपल, इजी है, बच्चा भी बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कैबेज लेना है। ये कैबेज लेके आपको इसका श्रेड करना है। सो हमने ऑलरेडी ये कैबेज को कट की हुई है। इसकी ये जो मोटी पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, हम उसको पहले इस तरह से निकाल देंगे। इसको हम निकाल देंगे और फिर इसकी ये जो इस तरह की जो वेन्स है वो लीफ भी हम निकाल देंगे। हमें बहुत ही टेंडर लीव्स चाहिए, तो ये इसकी वेन की लीव्स भी हम निकाल देंगे। और अब इसकी ये जो पत्तियाँ है इसे लेंगे, हम ये पत्तियाँ ले लेंगे और इसको इस तरह से प्रेस करके हम इसे फाइन श्रेड करेंगे। हमारी श्रेड पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं चाहिए, तो हम हो सके इतनी फाइन करेंगे इसकी श्रेड्स। आप देख सकते हैं हमारी फाइन कैबेज श्रेड करके तैयार है। हम इसे साइड में रख देंगे। अब इसी तरह से हमें कैरेट लेना है। कैरेट को बारीक ग्रेट करना है। कैबेज और कैरेट के स्ट्रेट सेम होने चाहिए। सो वी स्टार्ट विद ग्रेटिंग दी कैरेट। हाथ संभाल के करना है, आपके हाथ कटे नहीं, उसका ध्यान रखें। सो देख सकते हैं कि हमारा कैरेट भी प्रॉपरली स्ट्रेट हो चुका है। इसे भी एक साइड में रखना है। मयो सैंडविच जो हम खाते हैं, या बेसिकली कोल्सलो जो सैंडविच खाते हैं, वो बहुत ही पॉपुलर है आज इंडिया में, और बच्चों को भी ये बहुत अच्छी लगती है, यंगस्टर को भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसकी बहुत छोटी सी कहानी है। कहानी ऐसी है कि ये जो सैंडविच है कोल्सलो, कोल बोले तो डच में बेसिकली से कैबेज कहा जाता है, और स्लो बोले तो साइड डिश होती है। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कैबेज साइड डिश। डच क्यूजिन में नॉर्मली अगर जो हम उनके ट्रेडिशनल फूड की बात करें तो वेजिटेबल एक अच्छे प्रोपोर्शन में जाते हैं और उसके साथ मीट जाता है, फॉलोड बाय चीज। डच अपने चीज के लिए भी फेमस है और अपने गार्डन्स के लिए भी फेमस है। कोल्सलो बेसिकली मायोनेज आने के बाद से इन्वेंट हुआ था। ऐसे भी कहा जाता है कि रोमन टाइम से कोल्सलो खाया जाता है, लेकिन तभी मायोनेज नहीं था, विनेगर ड्रेसिंग में होता था। और जब भी 18th सेंचुरी में मायोनेज डिस्कवर हुआ, उसके बाद ये सैलेड का इन्वेंशन हुआ, जिसमें बेसिकली हम श्रेडेड कैबेज और कैरेट मायोनेज के साथ ब्लेंड करते हैं और उसे सर्व करते। तो चलिए अब हम अपना ड्रेसिंग बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेसिंग के लिए हमारा बाउल है, आप देख सकते हैं मैंने वेज मायोनेज लिया हुआ है, ऑल टाइम फेवरेट। सो थोड़ी सी ये शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड, और ये हमारा वाइट विनेगर है। आप वाइन विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे प्रॉपरली विस्क करना है। कोल्सलो ये नेदरलैंड्स की एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी सैलेड है, और ये सैलेड वहाँ पे लोकप्रिय है। और आप देख सकते हो, आप कभी भी जाओगे तो आप इसकी सैंडविच, इंडिया में मयो सैंडविच बहुत ही पॉपुलर है, तो आप ये सैलेड के साथ वो सैंडविच भी बना सकते हो। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा किस तरह से हम कोल्सलो सैंडविच या मयो सैंडविच बनाते हैं। हमारे इंग्रेडिएंट जो है वो प्रॉपरली ब्लेंड हो चुके हैं। अब हमें इसके अंदर हमारा कैबेज और कैरेट ये दो मिक्स करना है, और ये कैरेट हल्के से इसे मिक्स करूँगा ताकि ये प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए। और ये बहुत ही कलरफुल भी है और हेल्दी भी है और फास्ट बनने वाली डिश है। स्वीट होने की वजह से बच्चों को भी ये पसंद आती है। सो
ये सैलेड ओवरऑल बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर है। ये सलाद जब भी हम बनाते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि उसकी क्रिस्पनेस जो है वो सेटल होए और आपका सलाद एक ठंडा और एक बहुत फ्रेश लगे। तो चलिए, आप देख सकते हैं हमारा सलाद बन के तैयार है। वो प्रेजेंट करने के लिए अच्छी तरह से उसके इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो और उसे गार्निश के लिए आप ले सकते हैं। थोड़े से इसके ऊपर से ये बचा हुआ मैंने जो कैरेट है वो मैं इसके ऊपर ग्रेट कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह वो उसका गार्निश मिल सके। सो आप देख सकते हैं बढ़िया हमारा कोल्सलो सैलेड 2 मिनट में तैयार होने वाला सैलेड तैयार है। सो बॉन अपेटिट। यही सैलेड को यूज करके मयो सैंडविच कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाले। सिर्फ इसमें 2 इंग्रेडिएंट मैं अपने लिए या इंडियन टेस्ट के लिए यूज़ करने वाला हूँ, वो है कैप्सिकम शिमला मिर्च और अनियन प्याज। तो चलिए अब हम इसकी सैंडविच भी बनाते हैं। सो ये हमारा सैलेड कोल्सलो सैलेड बन के तैयार है। अब हम इसकी सैंडविच बनाएंगे। तो फिर से ये बोल लेते हैं और यही सैलेड को हम बोल में डाल देंगे और इसके अंदर मैं 2 इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगा, एक तो कैप्सिकम शिमला मिर्च, अनियन प्याज। सो इसके अंदर मिक्स करना है। सॉल्ट पेपर हमने ऑलरेडी डाले ही हुए इसके अंदर, सो एडिशनल डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जो आपको तेज़ लगता है आपके हिसाब से तो आप डाल सकते हैं, बट अदरवाइज नो नीड टू ऐड एज सच। सो देख सकते हैं प्रॉपर मिक्स हो गया, कलरफुल, दिखने में भी अच्छा दिखता है। प्रिपरेशन का ये स्टफिंग तैयार है। सो अब हम ये ब्रेड लेते हैं। ब्रेड स्लाइस पे बटर लगाया हुआ है मैंने पहले से। अब इसके अंदर ये जो फिलिंग हमने की है हम उसे सेंटर में प्लेस कर देंगे। इसमें आपको कंजूस आई नहीं करनी। सो अब ये सैंडविच तैयार है, हम इसे प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के लिए हमारा बोल है, इसके ऊपर हम इसी तरह से इसे रख देंगे। और ऑल टाइम फेवरेट बच्चों की फ्रेंच फ्राइज और ये केचप। आप देख सकते हैं कोल्सलो सैलेड और उसी के साथ ये हमारी कोल्सलो सैंडविच विथ फ्रेंच फ्राइज एंड केचप तैयार है। एंजॉय कीजिए, बहुत ईजी रेसिपी है। Bon appétit.